नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जनवरी मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना की नई गाइडलाइन में सरकार ने शहरों के स्कूल बंद किए हैं, वहीं गांवों में स्कूल खुले रखे गए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि गांवों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, इसलिए वहां स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। शहरों में भीड़भाड़ से संक्रमण का खतरा ज्यादा है, यदि गांवों में जहां संक्रमण फैलता है तो वहां स्कूल बंद किए जा सकते हैं। वहीं मार्च में बोर्ड परीक्षाएं कराने के फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी रखना जरूरी है, यदि संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर कल्ला ने कहा, गांव में अभिभावक चाहें तो बच्चों को स्कूल न भेजें, उन्हें ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प दिया है। शहरों में जितनी भीड़ है उतनी गांवों में नहीं है, कोविड गांवों में नहीं फैला है, फिर भी हमारे निर्देश हैं कि कलेक्टर स्थानीय स्तर पर जरूरत के अनुसार गांवों के स्कूल भी बंद कर सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जन्मदिन मनाने राजस्थान के रणथंभौर पहुंची है। प्रियंका गांधी मंगलवार सुबह 10:30 बजे सड़क मार्ग से पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई है। उनके दोनों बच्चे एक दिन पहले सोमवार को पहुंच चुके थे। वे परिवार के साथ यहां होटल शेरबाग में ठहरी हुई हैं। प्रियंका गांधी का कल बुधवार को जन्मदिन है। वे अपना जन्मदिन परिवार के साथ रणथंभौर में सेलिब्रेट करेंगी। प्रियंका गांधी रणथंभौर अभयारण्य में टाइगर सफारी के लिए भी जाएंगी। आज फसल खराबे की सूचना देने की आखिरी तारीख है। प्रदेश सरकार ने शीतलहर, पाला और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर तुरंत विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार को कई जिलों में मिली फसल खराबे की प्राथमिक सूचना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अलग अलग जिलों में फसल खराबे का आकलन कर प्रभावित किसानों को नियमों के मुताबिक मुआवजा देने के लिए जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी करने का कहा है। रेवेन्यू विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को उनके जिलों में रबी फसल 2021-22 में बोई गई फसलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग को जल्द भेजने को कहा है। कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर दौसा जिले में स्थित सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद कर दिया गया है। यहां श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में भीड़ पहुंचने पर जिला प्रशासन की तरफ से एतराज दर्ज कराया गया था। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने अग्रिम आदेश तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी को एक बार फिर जिला बनाए जाने की मांग उठने लगी है। केकड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर जिला बनाने की लंबित मांग को पूरा करने का आग्रह किया है। गहलोत को भेजे पत्र में समिति की ओर से आग्रह किया गया है कि अगले माह होने वाले बजट स्तर में केकड़ी को जिला घोषित कर स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। राजस्थान में अजमेर जिले के ब्यावर में आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने नियमित करने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यावर स्थित स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर राजकीय अमृत कौर अस्पताल से जुड़े कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर संविदा कैडर में शामिल करते हुए नियमित एवं स्थायी नियुक्ति दिए जाने की मांग की। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ अस्पताल के लिए आज यहां एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कोरोना काल सहित बहुत अच्छा काम किया है। इससे लक्ष्मणगढ़ अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं भी मजबूत हुई हैं तथा यहां CHC एवं PHC बनी है। सब सेंटर एवं उपजिला अस्पताल एवं ट्रॉमा यूनिट मंजूर हुआ है। इसके लिए जमीन आवंटन हो गई और 8 करोड़ की लागत से ट्रॉमा एवं 100 बेड का अस्पताल निविदा प्रक्रिया में है और जल्द ही चालू होगा। अजमेर शहर में गत 26 दिसंबर की रात में विजयनगर रोड स्थित नसिया के जैन मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा भगवान के छत्र चुराने के एक आरोपी को गिरफ्तार करने सिटी थाना पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। अब पुलिस आरोपी से चोरी किए गए भगवान महावीर के छत्र और दूसरी आरोपी के बारे में कड़ाई से पूछताछ करेगी।
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीना के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसमदीन खान के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम खेड़ली कस्बे में पहुंची, जहां विभागीय टीम द्वारा तीन दुकानों जिनमें प्रदीप इंडस्ट्रीज से रिफाइंड सोयाबीन तेल परंपरा कंपनी का सैंपल लिया तथा विष्णु ऑयल मिल पर मस्टर्ड ऑयल प्राप्त हुआ, जिसका सैंपल लिया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संविदा कैडर में CHA नर्सिंग कर्मियों को सम्मिलित नहीं किए जाने के विरोध में राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ CHO द्वारा सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश संयोजक व जिलाध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने बताया कि नर्सिंग कर्मियों में लगातार मांग के बावजूद राज्य सरकार द्वारा हाल ही बनाए गए कैडर में कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA कर्मियों को संविदा में नहीं लिए जाने से विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवा शक्ति का स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र को सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जाने का आह्वान किया है। श्री मिश्र ने स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी के अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आज यह आह्वान किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए कहा कि युवा शक्ति उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र को सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जाए। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों की अब खैर नहीं होगी। इसके लिए जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में अब सख्ती करने के साथ प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए अवसर लगा दिए हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपायुक्त तत्परता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच निगम ने जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। पिछले 3 दिन में ही हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में 1000 से अधिक मास्क बांट दिए गए हैं। राजधानी जयपुर के शूटिंग रेंज स्थित आर्चरी रेंज के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। आर्चरी रेंज में करीब 40 खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास के लिए आते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से इन खिलाड़ियों को गलती बताने वाला या फिर गाइड करने के लिए कोई कोच नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर लगी कोच का 1 महीने पहले उनके गृह जिले में तबादला हो चुका है। उसके बाद से ही इन खिलाड़ियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए तैयारियों में जुटी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को लोगों के लिए योग क्लासेस का तोहफा लेकर आए। दिल्ली के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनके पास योग करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। ये क्लासेस 8 घंटे चलेगी। सुविधा के अनुसार क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करें। 40,000 लोग एक साथ इसका फायदा ले सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 मरीज होंगे। कल से ये क्लास शुरू हो जाएगी। महामारी की वजह से नौकरी पेशा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो कई नौकरी पेशों को सैलरी कट जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मौजूदा माहौल में वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनका कई तरह का खर्चा बढ़ गया है। इंटरनेट, टेलीफोन, फर्नीचर और बिजली बिल भी बढ़ गया है। ऐसे में नौकरी पेशा और पेंशनर्स को 1 फरवरी 2022 को होने वाले बजट 2022 से काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।